हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। स्वागत है आपका मोनाज ब्लॉग में। तो आज हम है ऑडिटोरियम सूरजपुर, जहाँ पे होने वाला है वर्कशॉप। सो गाइस, हमारे रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर सूरजपुर छत्तीसगढ़, हाँ, उनके प्रेजेंस पे होने वाला है आज वर्कशॉप ऑन टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। आज सूरजपुर जिला के सभी हेल्थ वर्कर इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये है मेरे CHOs फ्रेंड्स सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ऑडिटोरियम में। ये देखिए कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं सब कलेक्टर सर जी के आने का। सो दोस्तों, अब आगमन हो चुका है हमारे जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर ऑनरेबल मिस्टर रोहित व्यास सर जी का, जिनका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। अब आगे का जो भी वर्कशॉप है वो संचालित होगा, उससे पहले होने वाला है लैम्प लाइटिंग। और आज बसंत पंचमी सरस्वती पूजा है, तो माँ शारदे जी के सामने लैम्प लाइटिंग किया जाएगा और उनका पूजा पाठ भी किया जाएगा। सब खड़े हो रहे हैं, अब होने वाला है पूजा, इसके बाद आगे का वर्कशॉप कंटिन्यू किया जाएगा। हमारे कलेक्टर सर लैम्प लाइटिंग कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, साथ में CMHO सर भी हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगी, हमारे जो रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर जी हैं वो हमारे सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में फोकस किए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा सूरजपुर हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे आगे हो। और जितने भी प्रोग्राम, जो नेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनका संचालन प्रॉपर हो। और आज का जो वर्कशॉप है वो है एलिमिनेशन ऑफ टीबी ट्यूबरक्लोसिस। तो देखते हैं आगे कलेक्टर सर और क्या क्या गाइडलाइन हमको देते हैं। वैसे उनके आने से बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारा सूरजपुर का। सो अभी कलेक्टर सर जी का स्वागत किया जा रहा है फ्लोरल बुके देके। हमारे सूरजपुर जिला के CMHO सर कलेक्टर सर जी का स्वागत कर रहे हैं। कलेक्टर सर जी के अलावा आज के वर्कशॉप में डॉक्टर रितु मैम WHO से, और डॉक्टर रुद्रप्पा सर निष्ठा एम जपाइगो से, और उन्हीं के साथ हैं अच्युतानंद सर, फैजल सर, जो आज के वर्कशॉप को सफल बनाने के लिए हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। उन सबका स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे सूरजपुर जिला के CMHO सर, DPM सर, और जो टीवी है उस प्रोग्राम के जितने भी मेंबर हैं वो सारे प्रेजेंट हैं। और हमारे सूरजपुर जिला के सुपरवाइजर सर मैडम, RHOs, CHOs एवं MLTs, जो मितानिन ट्रेनर हैं, वो सब भी मौजूद हैं। और आज बहुत ही बड़े संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ है, और देखते हैं आगे किस टाइप से आज का वर्कशॉप इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि बहुत ही दिग्गज लोग आज हमारे साथ यहाँ पे संपर्क बनाए हुए हैं। स्वागत का कड़ी अब लगभग ख़त्म होने जा रहा है, इसके बाद देखते हैं और क्या क्या होता है। अभी हमारे सूरजपुर जिला चिकित्सालय के CMHO सर डॉक्टर रनसाय सिंह अपना उद्बोधन दे रहे हैं। वो टीबी के बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। हमारे CMHO सर जी के बाद हमारे कलेक्टर महोदय जी का उद्बोधन है,
जिनका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं कलेक्टर सर क्या कहते हैं। सो दोस्तों, हमारे ऑनरेबल कलेक्टर सर जी का उद्बोधन शुरू हो गया है। वो टीवी के बारे में संक्षिप्त में सबसे चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार टीवी को जड़ से निकाल के फेंकना है, सूरजपुर ज़िला को कैसे टीवी मुक्त करना है, इस विषय पे वो गहरी अपनी मनसा हमारे सामने रख रहे हैं। और वो हेल्थ टीम को धन्यवाद दे रहे हैं जिस प्रकार कोरोना से लड़े और भी खतरनाक बीमारियों से लड़े हैं। सो इसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है वर्कशॉप का। सो दोस्तों, सेशन में सबसे पहले WHO से आई हुई ऋतु कश्यप मैम का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सब उनका उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सारी हेल्थ टीम अपने हिसाब से अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ऋतु मैम का क्लास बहुत ही इफेक्टिव है। ध्यान दें कि दुर्गम स्थानों से परिवहन के दौरान उबड़ खाबड़ रास्ते से रिसाव हो सकता है। यदि आपको रिसाव का संदेह है तो देखने के लिए बैग या बंद किसी भी नमूने को ना खोलें। बैग को बंद रखें और सीधे जांच वाली लैब में ले जाएं। तो दोस्तों, आज का वर्कशॉप यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और इसी प्रकार अब डेली वीडियोस आएंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।